हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृजन इलेक्ट्रिकल। दोस्त, आज हम आप लोग को बताने वाला हूँ जो हमारा इंडस्ट्रियल में ये जो मेटल प्लाक और सॉकेट यूज होता है वो कैसे कनेक्शन करना है, और इसमें जो पॉइंट दिया है कौन सा पॉइंट में कौन सा वायर कनेक्शन करना है। ये हमारा सिंगल फेज वाला प्लाक है और सॉकेट है, और ये जो आप देख पा रहा है ये हमारा थ्री फेज वाला प्लाग है और ये थ्री फेज वाला सॉकेट है। तो पहले हम ये जो सिंगल फेज वाला प्लाग और सॉकेट है वो कैसे कनेक्शन करना पड़ता है, खोल के कैसे कनेक्शन करना पड़ता है वो मैं प्रैक्टिकली आप लोग को दिखाऊंगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो मैं पहले आप लोग को ये जो प्लाग है प्लाग में कैसे कनेक्शन होता है मैं पेपर में आप लोग को देखा देता हूं। प्लाग है तो प्लाग में आप लोग को ये दिखाई दे रहा है। प्लाग में तो इसमें आपका तीन पॉइंट है, तो तीन पॉइंट में ये जो एक पॉइंट है इसमें एल लिखा है अंदर में, और इधर में आपका एन लिखा है, मतलब इसमें आपको लाइन सप्लाई का वायर कनेक्शन करना है, इधर आपको न्यूट्रल कनेक्शन करना है। और जो ये अंदर वाला जो है ये छोटा है, ये हमारा बॉडी का साथ ये जो पॉइंट है ये कनेक्शन है, तो इसमें आपको अर्थिंग कनेक्शन करना है। तो इसमें आपका लाइन सप्लाई देना है और इसमें आपका न्यूट्रल देना है। ये ऊपर वाला जो है इसमें आपको अर्थिंग का वायर कनेक्शन करना है। तो ये हमारा जो प्लाग है ये 20 एम्पियर वाला है, 250 वोल्ट सप्लाई हम इसमें दे सकता है ये प्लाग में। तो इसमें हम पहले कनेक्शन करके आप लोग को बता देता हूँ। पहले आपको ये जो अर्थिंग का पॉइंट है ये बॉडी कैसे लगा इसको आपको खोलना पड़ेगा। तो मैं इसको खोल लेता हूँ। तो खोलने के बाद आप ऐसा देखने को आपको मिलेगा। तो इसके लिए मैं क्या किया, एक फेज लाइन के लिए रेड वाला वायर लिया हूँ और न्यूट्रल के लिए ब्लैक वाला वायर लिया हूँ, और अर्थिंग के लिए ये मैं येलो और ग्रीन वाला एक वायर लिया हूँ। तो इसको मैं छील लेता हूँ थोड़ा करके। तो दोस्तों, आपको अर्थिंग का वायर थोड़ा ज़्यादा छीलना पड़ेगा वो, क्योंकि मैं आप लोग को दिखाता हूँ। इसका अंदर में आपको पहले वायर डाल देना पड़ेगा, इसका अंदर से लेके इसका अंदर आपको डालना पड़ेगा, बाद में इसको आप ऐसा करके टाइट कर देने का। तो अभी हमको क्या करना है कि दोस्तों ये जो दो स्क्रू है ये दो स्क्रू को लूज करना पड़ेगा आपको। तो आप इधर देख लेने का, इधर देखिए एल लिखा है, तो इधर हम रेड वाला जो वायर है उसको मैं लगा दे रहा हूं। इसमें आपको टाइट कर देना पड़ेगा। तो टाइट हो गया, तो इधर वाला हमारा न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल वाला वायर में लगा दे रहा हूं। तो न्यूट्रल लगाने के बाद अर्थिंग का वायर इसमें आप कैसे लगाए दोस्तों, तो इसका अंदर से लेके आप देखिए इसमें ऐसा करके थोड़ा फंसा के राउंड कर देने का। राउंड कर दिया तो आप अंदर की तरफ ऐसा खींच लेने का। बाद में आप इसको ऐसा बैठा के ये जो अर्थिंग का वायर है ये प्रॉपर तरीके से टाइट हो गया, देख रहे हैं। तो प्लाक में आप ऐसा करके वायर को कनेक्शन करने का।
और उसके बाद ये जो हमारा सॉकेट है, ये हमारा 230 वाला जो प्लग का कनेक्शन बताया, इसका देख रहे हैं दो पिन है, तो दो पिन को क्या करना पड़ेगा, तो ये पिन जो है आपको ऐसा करके निकाल लेना पड़ेगा। ये दो निकल गया है, तो दोनों में पहले आपको ये जो स्क्रू है इसको लूज करके इसका अंदर आपको वायर डाल देना पड़ेगा। तो मैं दो इसमें एक फेज का वायर डाल दे रहा हूँ, ये सिर्फ खाली आपको दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ। और इसको लूज करके इसमें मैं न्यूट्रल का वायर डाल दे रहा हूँ। इसको आपको प्रॉपरली टाइट कर देना पड़ेगा, बाद में आपको ये थोड़ा देख लेना पड़ेगा। ये देखिए, ये ऐसा आपको रखना पड़ेगा, ये जो अंदर का जो बेस है इसका ऊपर ही बैठेगा। ये दोनों, ये वाला इधर रहेगा, ये वाला इधर रहेगा, तब जाके ये वाला जो है ये हमारा इधर एक ग्रिप दिया है, तो ग्रिप में आपको ऐसा करके बैठा देना पड़ेगा। देख रहा है ये हमारा बैठ गया है। तो अभी मैं इसमें ये जो है अर्थिंग वाला जो पिन है ये इस तरफ आपको इधर मार्किंग किया जाता है, तो आपको इधर ऐसा करके लगाना पड़ेगा। देख रहे हैं दोस्तों, ऐसा ये फिटिंग हो जाएगा। तो आप इधर से बोर्ड में फिटिंग करके इसमें आप फेज न्यूट्रल सप्लाई दे देगा, और ये जो है ये जो प्लग आप जिसमें बॉडी में मेटल वाला बोर्ड में फिटिंग होता है, तो आप इसमें अर्थिंग का कनेक्शन कर देने का, अर्थिंग का जो वायर है ये फेज और न्यूट्रल इसमें अर्थिंग कर देगा। तो इधर से बॉडी के साथ ये अर्थिंग का वायर लगा, तो अर्थिंग आपको इक्विपमेंट जो चलाएगा उसमें मिल जाएगा। ये हमारा जो 230 वाला प्लग और सॉकेट है उसका मैं कनेक्शन बताया। तो अभी मैं ये जो हमारा थ्री फेज वाला है तो इसका मैं कनेक्शन करके आपको बता रहा हूँ। तो पहले आपको क्या है, थ्री फेज वाला जो प्लग है इसको आपको खोल लेना पड़ेगा। ये जो स्क्रू है मैं खोल लिया, तो ये बॉडी में ये देखिए ये इंसुलेशन पेपर दिया है, तो ये पेपर आपको रहना चाहिए। बाद में आपको शायद देखा दे रहा है, इसमें देखिए एक मार्किंग किया है, एक ज़्यादा जो ये जो पिन है इसमें 1 लिखा है, इसमें 2 लिखा है और इसमें 3 लिखा है। ये हमारा 440 वोल्ट वाला प्लग है, और बीच वाला जो है इसमें हमको अर्थिंग का वायर कनेक्शन करना है। तो इसमें मैं पेपर में आप लोग को बता देता हूँ, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा आप लोग को प्रॉपरली। इसमें देखिए ए वाला जो पिन है इसमें हमारा 1 लिखा है, 1 मतलब इधर हमको आर फेज देना है। इधर हमारा 2 लिखा है मतलब वाई फेज देना है, और इधर हमारा 3 लिखा है मतलब बी फेज आपको देना है। तो इस सीक्वेंस में आपको लगाना है, और इधर वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है इसमें आपको अर्थिंग का कनेक्शन करना है। तो इसीलिए इसमें ऐसा करके मार्किंग किया गया है 1 सेम आपको सेम। देखिए ये जो हमारा सॉकेट है इसमें भी आपका सेम मार्किंग किया गया है, तो उसमें आप ऐसा कनेक्शन करेगा और इसमें भी उसी तरीके से आप वायर कनेक्शन करेगा, तो आपका जो फेज है वो उलट पलट नहीं होगा। कोई मोटर रहता है उसका फेज अल्टरनेटर हो जाता है, तो मोटर आपका उल्टा घूमना चालू हो जाता है। तो आप इसी सीक्वेंस में लगाया प्लग में जो 1 2 3 लगा है उसका हिसाब से आर वाई बी फेज लगाया, तो आपको मोटर जो है वो सही घूमेगा। और सॉकेट में भी आपको वायर ऐसा कनेक्शन करना पड़ेगा, इधर आपका 1 2 और 3 लिखा है, तो आप इसमें आर फेज वाई फेज और बी फेज कनेक्शन करेगा, तो आपका जो मोटर है वो सही तरीके से चलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्लग में आप प्रॉपर तरीका सीक्वेंस के हिसाब से कनेक्शन करने का। चलिए मैं प्लग में एक बार आपको कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। इसके लिए मैं आर वाई और बी एक न्यूट्रल के लिए वायर लिया हूं, तो मैं इसको थोड़ा छील लेता हूं। इसका जो अंदर से आपको ऐसा डाल के वायर को ऐसा करके खींच लेना पड़ेगा, उसका बाद आपको देखिए इसमें जो एक नंबर जिधर लिखा है इसमें एक नंबर लिखा है, तो इसमें मैं
आर फेज कनेक्शन कर दे रहा हूँ। आर फेज कनेक्शन हो गया। देखिए दोस्तों, ये हमारा दो नंबर जो पॉइंट है, इसमें हमारा वाई फेज कनेक्शन हो गया, क्योंकि सीक्वेंस के हिसाब से आर वाई कनेक्शन होता है, तो मैं इसमें वाई फेज जो है दो नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर ले रहा हूँ। दोस्तों मेटल पर प्लग जो होता है उसमें आपको ऐसा कनेक्शन करना पड़ेगा, तो अब आपका सीक्वेंस जो है चेंज नहीं होगा, तो आपका जो इक्विपमेंट है प्रॉपरली चलेगा। तो अभी जो तीसरा नंबर पॉइंट बचा है, ये हमारा बी फेज हम कनेक्शन करेगा, क्योंकि इसमें तीन नंबर लिखा है, तो इसमें हम बी फेज कनेक्शन कर दिया। और अर्थिंग वाला जो है हम इसका नीचे भी आप कनेक्शन कर सकता है, नीचे में आपको कैसे कनेक्शन करना है वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप इसमें डाल के ये जो अर्थिंग का वायर थोड़ा बड़ा रखने का, अर्थिंग का वायर का सेम इसका अंदर थोड़ा होल, थोड़ा इसका आपको छोटा था तो वायर होल आपको थोड़ा बड़ा करके इसके अंदर से आपको वायर ऐसा डाल के ऊपर का तरफ ऐसा खींच के दोनों तरफ वायर को ऐसा पकड़ के ये जो स्क्रू है इसमें आपको ऐसा करके थोड़ा राउंड के खींच देना पड़ेगा। बाद में आप ऐसा डाल के ये वायर को ऐसा पीछे लेके इसमें आप वायर को अर्थिंग का वायर लगा के मैं देख रहा कैसे फिटिंग किया, आप ऐसा इसमें फिटिंग कर देने का, देख रहे हैं वायर हमारा ऐसा फिटिंग हो गया। तो इसी तरह के आपको ये जो सॉकेट है, सॉकेट का देखिए इस वाला पोजीशन एक बोर्ड में फिटिंग होता है ये चार स्क्रू से, तो बोर्ड में फिटिंग करने का पहले आपको बोर्ड का अंदर से ये वायर को घुसा के ये जो कैप है ये कैप को ऐसा आपको बाहर निकाल लेना पड़ेगा। बाहर निकल के ये जो आपको तीन पिन देख रहा है ये तीन पिन को खोल के आपको एक एक करके ऐसा करके लूज करके इसमें आपको वायर पहले कनेक्शन कर देना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है ये तीनों को आपको लूज कर देना पड़ेगा, तो इसमें आप एक वायर लगा देने का, तो आपको प्रॉपरली थोड़ा टाइट कर देना पड़ेगा, लूज नहीं रहना चाहिए। दूसरा वाला जो है इसमें भी आपको वायर ऐसा लगा देना पड़ेगा, ये ऊपर का तरफ मैं जैसे लगा रहा हूँ आपको खोलेगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पोजीशन है ये हमारा सॉकेट का अंदर ऐसा नीचे का तरफ जाएगा, तो आपका वायर जो है ऊपर का तरफ लगाना चाहिए। आप गलती से इस साइड वाला जो पॉइंट है, मतलब ये सॉकेट में जो इधर जो हमारा पिन लगेगा प्लग का, तो इस तरफ आप वायर नहीं लगा देने का, जब खोलेगा आप ध्यान रखने का, ये ऐसा रहेगा आपको ऊपर से वायर लगाना पड़ेगा, तब जाके ये वाला जो सॉकेट है ये आपका बोर्ड में फिटिंग होगा, नहीं तो आप फिटिंग नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ आप ऐसा कनेक्शन करेगा तो आपका बोर्ड में भी फिटिंग हो जाएगा, सप्लाई भी प्रॉपर ले जाएगा, देख रहे एक ऐसा आपका फिटिंग हो गया। तो आपको अभी ये जो एक नंबर है, एक नंबर में आपको आर फेज डाल देना पड़ेगा, तो मैं इधर आर फेज डाल दिया हूँ। अभी आपका ये जो है ये हमारा दूसरा वाला पिन है, तो दूसरा वाला ये है, तो इसमें हम वाई वाला डाल दे रहा हूँ, तो वाई आर और वाई हो गया। तो अभी इसमें मैं बी फेज वाला डाल दे रहा हूँ, तो अभी तीनों में जो है मैं ऐसा कनेक्शन करके डाल दे। तो पहले आपको कनेक्शन करना पड़ेगा, बोर्ड में लगाना है, तो बोर्ड में पहले आपको होल करके ये वायर घुसा के ये सॉकेट में ऐसा करके कनेक्शन करने का ये जो कैप है ये कैप को आपको ऐसा करके ये तीनों ऐसा रख के आपको डाल देना पड़ेगा, देख रहा है मैं इसमें डाल दिया हूँ, तो आप देख पा रहा है। तो यार जो अर्थिंग का है, अर्थिंग वाला ये आप बॉडी के साथ लगा देने का, तब आपका सप्लाई मिल जाएगा। तो अभी ये जो प्लग है मैं इसमें फिटिंग करता हूँ, देख रहा है एक ऐसा आराम से बैठ गया दोस्तों। इसमें क्या आपका सिक्वेंसी बराबर रहेगा। दोस्तों इस वाला वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करिए। और एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, आगे हम आप लोग के लिए ऐसा वाला वीडियो ले आ सकता है।
आज के लिए इतना तक दोस्तों, अगली वाला वीडियो में मिलता हूँ, धन्यवाद।